नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। दर्शकों को बता दें कि यह डिबेट हम पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आग्रह पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ घंटे पहले ताबड़तोड़ ट्वीट किए और कहा कि शराबबंदी एक महत्वपूर्ण कदम है और इस पर एक डिबेट शुरू की जा सकती है। बात शुरू करते हैं। मुरैना में जहरीली शराब से हुई 2 दर्जन से ज़्यादा मौतों के बाद प्रदेश की राजनीति में शराब नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है। शराब दुकानें बढ़ाने के अपने बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कायम हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पल्ला झाड़ लिया है। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी सीएम के सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस ने शराब दुकानें बढ़ाने के बयान की निंदा की है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने के समर्थन में आ गए हैं। अब इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुरैना में जहरीली शराब कांड होने के बाद से ही प्रदेश में सुरापर संग्राम जारी है। विवाद की शुरुआत हुई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद। पहले उन्होंने प्रदेश में शराब की दुकान बढ़ाने की वकालत की। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने इससे पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस भी विरोध में उतर आई। इसके बाद गुरुवार को मिश्रा ने फिर बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे और सीएम के बीच कोई मतभेद नहीं है। मैंने अमानक शराब की बात कही है, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मुख्यमंत्री तो खुद कैबिनेट में सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि अपनी बात रखिए, लेकिन मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ, दुकान खुलनी चाहिए। कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के, मैंने अपनी बात कही है। मैंने कहा है कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है, वही आती है जहाँ पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है, जहाँ पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए, वो नहीं मिलती है, तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं, वहाँ बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है, मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। मामले में नया टर्न तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इस मामले में कूद पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सार्वजनिक तौर पर विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, थोड़े से राजस्व के लालच और माफिया का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता है। उमा भारती ने यह बयान सोशल मीडिया पर दिया है। उन्होंने शराबबंदी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अपील की है। उन्होंने लिखा है, मैं सार्वजनिक अपील करती हूँ कि बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी की तैयारी करिए। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को लेकर कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने का दबाव रहता है। बिहार की बीजेपी की जीत यह साबित करती है कि शराबबंदी के कारण ही महिलाओं ने एक तरफा वोट नीतीश कुमार को दिया। कोरोना काल के लॉकडाउन के समय पर लगभग शराबबंदी की स्थिति रही। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि अन्य कारणों और कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन शराब नहीं पीने से कोई नहीं मरा। उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हाल ही में जहरीली शराब से हुई मौतों का हवाला भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि देखा जाए तो सरकारी व्यवस्था ही लोगों को शराब पिलाने का प्रबंध करती है, जैसे माँ जिसकी जिम्मेदारी अपने बालक का पोषण करते हुए उसकी रक्षा करने की होती है, वही माँ अगर बच्चे को जहर पिला दे तो सरकारी तंत्र द्वारा शराब की दुकानें खोलना ऐसे ही है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाने के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पहला कदम है शराब माफिया को दफन करना है। अभी तो माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि उमा भारती हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हम सब मिलकर उनकी बात पर विचार जरूर करेंगे। नहीं, उमा दीदी जी हम सब की मार्गदर्शक हैं और एक साध्वी होने के नाते नशे के प्रति उनकी चिंता बहुत जायज है, उनको चिंता करनी भी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार की भी यही चिंता है। मध्य प्रदेश सरकार भी एक प्रकार से सामाजिक जागरूकता लाके
और दूसरे पक्ष में शराब की दुकानें धीरे धीरे कम करके शराबबंदी की ओर ही बढ़ रही है। नशा कैसे भी कम हो इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं और उमा दीदी ने जो मार्गदर्शन दिया है वो सिरमाथे मुझे लगता है उस पर सभी लोग जरूर चिंता करेंगे। दूसरे राज्यों में 1 लाख आबादी में ज्यादा दुकानें हैं, मध्य प्रदेश में 1 लाख की आबादी में सिर्फ 4, महाराष्ट्र में 21, राजस्थान में 17 और यूपी में 12 दुकानें हैं। दुकानें बढ़ाने के फैसले का कांग्रेस ने भी विरोध किया, लेकिन उनके विधायक लक्ष्मण सिंह इसके समर्थन में आ गए। उनका कहना था कि शराब की दुकानें बढ़ती हैं तो इससे किसानों और एग्रो इंडस्ट्री को फायदा होगा। ये डिमांड सप्लाई वाली बात है, इसको डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखना चाहिए, इसको इकोनॉमी से जोड़ना चाहिए, इसको रोजगार से जोड़ना चाहिए। और अगर डिमांड है तो इसमें इसको बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर बढ़ाना यानी ये नहीं कि जो लिकर की बोतल वहाँ राजस्थान में 100 रुपये में बिक्री हो यहाँ 500 में बिक्री। अगर आप किसी को मना करेंगे लेने के लिए तो वो चुपचाप चोरी करेगा, वो राजस्थान से लाएगा। और ये इल्लीगल शराब का ये धंधा फल फूल रहा है और ये इल्लिसिट लिकर ऐसी बनेगी जिससे कि लोग पी के मर जाते हैं, तो कम से कम वो तो नहीं होगा, क्वालिटी लिकर बने इसमें भी। इसके पहले कमलनाथ सरकार ने भी पिछले साल जनवरी में शराब ठेकेदारों को शहरी क्षेत्र में 5 और ग्रामीण इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में उप दुकान खोलने की अनुमति दे दी थी। इस फैसले पर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसा था। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, कांग्रेस सरकार की सौगात, बड़ी दुकान छोटी दुकान इसके नीचे उप दुकान, बताओ अब कुल कितनी दुकान। मध्य प्रदेश के गांव-गांव होगी शराब दुकान। मालवा की कहावत है, पग पग रोटी डग डग नीर के स्थान पर अब पग पग दारू हर पल दारू। उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, सही कहा रजनीश जी, मुझे लगता है थोड़े दिनों में कमलनाथ जी एक और सरकारी फरमान जारी कर मध्य प्रदेश का नाम बदलकर मदिरा प्रदेश कर देंगे। जाहिर है सुरा पर छिड़ा संग्राम जल्दी नहीं थमेगा, लेकिन सुरा ने उन नेताओं को भी काम दे दिया जो लंबे समय से सुर्खियों में आने की जुगत में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले भटनागर जी, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बीते जो अमिताभ कांत हैं सीईओ नीति आयोग के, उन्होंने कहा था इस देश में लोकतंत्र कुछ ज़्यादा है। हमने नरोत्तम मिश्रा को सुना, वो कह रहे थे कि पार्टी में वोट डेमोक्रेसी, सबको अपनी बात रखने कहा के। लेकिन आपको लगता है कि गृह मंत्री अगर कानून व्यवस्था की बात करें तब तक तो ठीक है, लेकिन जो आबकारी मंत्री का काम है वो गृह मंत्री कर रहे हैं और कहते हैं डेमोक्रेसी, और जो मूल काम है जिस विभाग के मंत्री का वो कह रहे हैं कि शराब की दुकानें बढ़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इत्तेफाक रखते हैं या कहें कि उनसे जगदीश देवड़ा इत्तेफाक रखते हैं कि दुकानें नहीं बढ़ेंगी। पिछले साल भी हमने देखा था, दिसंबर का ही महीना था, साल था 2020, जब एक नई नीति की बात की थी कमलनाथ सरकार ने और जिस गांव-गांव में शराब दुकानें खोलने की बात की थी, जिसकी बात अब बीजेपी कर रही है। तो इन सब के बीच हुआ भारती की शराबबंदी की बात, तो आपको लग रहा है कि ये कोई गंभीर है बीजेपी या कांग्रेस, या केवल कि अभी कोई मुद्दा नहीं है, उपचुनाव निपट गए, आने वाले चुनाव में समय है और फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है तो इसी में कम से कम काम चलाया जाए? देखिए मनोज, मूल मुद्दा ये है कि हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, जगदीश देवड़ा हो, नरोत्तम मिश्रा हो या कोई भी राजनेता, बिल्कुल ये सब जनता को मूर्ख समझते हैं। कायदे की बात ये है, आप मज़ेदार बात है कि जो जहरीली कांड, शराब जितना भी कांड हुआ है मध्य प्रदेश में अभी साल भर में, बिल्कुल रतलाम में हुआ, उज्जैन में हुआ और मुरैना में हुआ, मुरैना, ये तीनों नगर निगम क्षेत्र हैं और इन नगर निगम क्षेत्रों के लिए कमलनाथ की सरकार ने जो शिवराज सिंह की सरकार की जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया था और एकल समूहों को दुकान दी थी, बिल्कुल, यानी दुकानों पर एकाधिकार कायम किया था। बिल्कुल जी। अब भोपाल का उदाहरण देता हूँ कि भोपाल में 1,000 रुपये की शराब जिसके ऊपर MRP 1,000 रुपये है, बिल्कुल, वो 1,500 या 1,600 रुपये में बिक रही है बाजार में, मतलब शराब ठेकेदार ने 600 करोड़ रुपए में सरकार से ठेका लिया है भोपाल की शराब दुकानों का
और अब उस 600 करोड़ की भरपाई के लिए जो सरकार द्वारा MSP MRP तय है उससे ज़्यादा में बेच रहा है। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? आबकारी विभाग मध्य प्रदेश सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात कि जब आप इतनी महंगी शराब कर देंगे तो ये तो मैं भोपाल का उदाहरण दे रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे वहाँ देशी शराब भी होगी। अभी लक्ष्मण सिंह भी उदाहरण दे रहे थे। लक्ष्मण सिंह से मैं सहमत हूँ जी, जो उदाहरण वो दे रहे थे, अगर मुरैना में ये घटनाक्रम नहीं होता, यदि शराब आसपास उपलब्ध होती और सरकार की सील लगी हुई शराब उपलब्ध होती तो निश्चित तौर पर जहरीली शराब नहीं बिकती। लेकिन शराब की दुकान पर 75 रुपये का क्वार्टर, जिसकी MRP 75 रुपये है, वो 150 रुपये में यदि ठेकेदार बेच रहा है, क्योंकि मुरैना भी नगर निगम क्षेत्र है, तो मुरैना जिले में भी एकाधिकार है, भोपाल में एकाधिकार है, इंदौर में एकाधिकार है, उज्जैन जबलपुर, और हर जगह जबरदस्त तस्करी हो रही शराब की। बिल्कुल। और कुल मिलाकर हम जो भी शराबबंदी की बात करते हैं, समर्थन करते हैं, हमने गुजरात का उदाहरण है और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक तस्करी शराब की मध्य प्रदेश से राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, सरकार की जानकारी में गुजरात में होती है। बिल्कुल। पर पेटी 100 रुपये एक ट्रक के अंदर अगर वो जाती तो वो राजनीतिक दलों को जाता है, विधायकों को जाता है, अलग अलग वो बटता है पैसा, और उसके ऑडियो और उसके बाद ये राजनीतिक दल बेवकूफ समझते हैं जनता को और बातें करते हैं कि मतलब शराबबंदी कर देना चाहिए। उमा भारती 8 महीने मुख्यमंत्री रही, उनकी मैं तारीफ इसलिए करूंगा दो कारणों से जो मुझे पता है। एक, उन्होंने जो मोनोपाली थी शराब माफिया की, सरकार में आने के बाद उस नीति को तोड़ा, नई शराब नीति बनाई थी, और उस नई शराब नीति के कारण मध्य प्रदेश के अंदर क्वालिटी शराब जो लक्ष्मण सिंह जी कह रहे थे कि वो बिकना चालू हुई थी, घटिया डिस्लरी की घटिया शराब से लोगों को मुक्ति मिली, मुक्ति थी मिली, जिसका एकाधिकार था पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के कारण। उसके बाद दूसरी बात, उमा भारती शराबबंदी की बात कर रही है, तो 8 महीने वो मुख्यमंत्री रही थी अगस्त तक, बिल्कुल वो कर सकती थी, ये कदम तत्काल उठा देती। उसके बाद उमा भारती की तारीफ इसलिए भी करूँगा कि जो मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्टिलर्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देते हैं बंधा हुआ साल का, और मुख्यमंत्री से भी इनकी चर्चा होती है। और मेरी ये जानकारी है कि उस समय उमा भारती ने मना कर दिया था कि मुझे शराब का कोई पैसा नहीं, किसी भी काम के लिए नहीं चाहिए मेरी सरकार में। तो ये उमा भारती की खासियत है। और उस समय और आज के समय में तो मतलब हालत ये हो गई है कि इस हद तक चाहे आबकारी विभाग का अफसर हो चाहे पुलिस का अफसर हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनको पैसे देने होते हैं। अब मुरैना में जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस कर्मी दोषी हुए, बिल्कुल, तो पुलिस कर्मियों को वो जो जहरीली शराब बेच रहा था वो निश्चित तौर पर पैसे देता होगा, वो पैसे विधायक से लेके मतलब मैं एक जनप्रतिनिधि से लेके ऊपर अफसरों तक जाता होगा, तब इस तरह की घटनाएं होती। तो कायदे से तो तंत्र को दुरुस्त करना चाहिए। शराबबंदी समाज का काम है, घर परिवार का काम है, क्या परिवार के लोग अपने परिवार के व्यक्ति को रोके। अभी तो हम देख रहे हैं कि जो समाज में जो वर्गीकरण है, तो जो हायर क्लास है उसमें तो सेलिब्रेशन है शराब, और जो लोअर क्लास है उसमें थकान मिटाने का साधन है शराब। तो दोनों चीजों में अंतर है, और ये बात क्या राजनीति की नहीं समझते हैं? तो केवल मूर्ख बनाने के अलावा देश के राजनीति की ओर कुछ नहीं करते हैं। जो वास्तविकता है वो जो लक्ष्मण सिंह जी कह रहे थे वो सही है कि अच्छी शराब बिकना चाहिए, क्वालिटी शराब बिकना चाहिए, और जो रेट डिमांड, जो डिमांड है उस डिमांड को कैसे खत्म करोगे आप? कहीं ना कहीं से आदमी पूर्ति करेगा, और यही हो रहा है, उसी कारण ये घटनाएं हुई। विजय जी, जो कुछ भटनागर जी ने कहा बिल्कुल 16 आने सच है। और एक चीज हमेशा कही जाती है कि शराब को अपराध से जोड़ा जाता है। कानून की बात करें तो निर्भया कांड के बाद फांसी की सजा का प्रावधान हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश या देश के तमाम हिस्सों में रोज खबरें आती हैं इस प्रकार की हवानियत की, अपराध से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास से 200 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, रेप हो रहे हैं वहाँ। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई गांधी जी की परिकल्पना का राम राज्य नहीं आया, क्योंकि गांधी जी लेकिन शराबबंदी के पक्षधर थे। केरल सरकार ने भी कई सारे प्रयोग किए, हरियाणा में भी हुए, लेकिन अपराधों का सिलसिला थमा नहीं है। एक हद तक ये मान सकते हैं कि एक कारण ये भी अपराध का शराब, लेकिन इकलौता कारण तो है नहीं। तो अब ये जो भटनागर जी ने कहा है कि ये बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको शराब पीना है या नहीं पीना है। सरकारों की अपनी चिंता है, रेवेन्यू की चिंता भी है, लेकिन वो शराब मुक्ति केंद्र भी चलाती हैं, वो नशा मुक्ति सप्ताह भी चलाती हैं, और वो शराब की दुकानों के ठेके भी करती हैं। और जो भटनागर जी कह रहे हैं कि वो जनता को गुमराह करना चाह रही है, तो ऐसे में जनता क्या कह रही है? क्योंकि ठेकेदार शराब महंगी भी बेच रहा है, ठेकेदार शराब की तस्करी भी कर रहा है, ठेकेदार के लोग घटिया शराब भी बेच रहे हैं, मनमानी वसूली भी कर रहे हैं, और आम आदमी इसमें तो वहीं पिस ही रहा है।
देखिए मनोज जी, जैसे कि भटनागर जी ने कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। आपको अपने बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि पेट्रोल से कहीं आग लग जाएगी तो आप पेट्रोल बंद कर दोगे क्या? सब चीज़ों के साइड इफेक्ट हैं। यदि आप शराब के देखोगे तो शराब के यदि फायदे भी गिनाते हैं डॉक्टर और उसके नुकसान भी गिनाते हैं। रही बात अपराधों की, तो अपराध तो आप देखिए यौन शोषण और इस तरह के जो अपराध होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं घरों में। अपने ही लोग उनको शोषित करते हैं, बच्चियों को सर्वाधिक होते हैं। तो क्या घर से मामले अधिकतर मामले ऐसे आते हैं। तो शराब तो एक कारण है ही अपराध में, लेकिन वो कोई वजह ऐसी नहीं है कि हमारी जी शराबबंदी हो गई। जिन राज्यों की हम बात करें, बिहार की बात करें तो आपने उदाहरण बताया अपराध सर्वाधिक होते हैं। गुजरात की बात करें तो कहाँ शराबबंदी है तो वहाँ अपराध होना बंद हो गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं हुए। अपराध और शराब का वास्ता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि यदि शराबबंदी हो जाएगी तो अपराध ही नहीं होंगे या बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे या 10% हो जाएंगे, 90% बंद हो जाएंगे। तो ये कारण शराबबंदी का सिर्फ अपराध से नहीं है कि आप और कांग्रेस को या किसी भी दल को शराबबंदी की बात करने का अधिकार तो है ही नहीं। आप एक तरह से यदि शिवराज जी आज गृहमंत्री कह रहे हैं कि शराब की दुकानें खुलना चाहिए, वो तो देखिए आप कमलनाथ सरकार ने पिछले 10 आउटलेट खोलने की बात की थी पर्यटन स्थलों पर और 4 बड़े शहरों में विदेशी शराब खोलने की दुकानें खोलने की डिलीवरी तक का आइडिया आ गया था। उन्होंने ये तक दे दिया था कि पहले जो 2000 रुपये लाइसेंस मिलते थे घर में आप शराब परोसने के, आप घर में पार्टी रखोगे 500 रुपये दो आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप घर में पार्टी कीजिए। तो कांग्रेस वहां तक गई, वो शराब नीति में उसने लाए परिवर्तन लाए, एकल ठेके जिस तरह की भटनागर जी बात कर रहे हैं कि उसके कारण शराब महंगी हो गई। तो कांग्रेस ये हक हो चुकी है। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा पहले से ही जिस तरह से शिवराज जी चल रहे हैं, पहले भी कई बार ये बात उठी है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश को हर साल 10,000 करोड़ का राजस्व मिलता है शराब से। मनोज जी बिल्कुल, वो एक एक बड़ी वजह है। कोरोना काल में आप देख रहे हो राजस्व के हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इस कारण उसको लगातार बढ़ा रहे थे और पिछले 5 साल में डबल हुआ राजस्व। मतलब 4,000 करोड़ मिलता था हमको 11-12 में, आज की तारीख में 10,000 करोड़ तक पहुंच गए हम सालाना। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको सरकार को बाकी काम भी करना पड़ता है। आप मुफ्त में अनाज दे रहे हो, गरीबों के लिए बाकी योजनाएं चला रहे हो, बिजली आप सस्ती दे रहे हो, तो कहाँ से राजस्व लाओगे आप? पेट्रोल डीजल और शराब एक बहुत बड़ी माध्यम है उसमें, और जिस तरह से GST लगा उसके बाद आपके पास राज्यों के पास बहुत दायरा कम बचा है। इसी कारण ये बात उठी थी, आपने याद होगा कि राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान सरकार की शराब बिकती है, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी शराब बनाई जाए, उसको मध्य प्रदेश का लेवल लगाया जाए और बिकवाया जाए और दूसरे राज्यों में भेजा जाए, जिस तरह से गोवा में शराब मिलती है राजस्थान में। ये भी जब BJP की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तभी ये पॉलिसी उन्होंने बनाई थी जी। और अभी शिवराज सरकार, ये शिवराज सरकार ने ही ये चर्चा उठी। और जिस तरह से नरोत्तम जी जो बात कर रहे थे वो कोई बात, जब शराब के कारण इतनी मौतें हुई, उज्जैन में घटना हुई, मुरैना में घटना हुई, रतलाम में घटना हुई, इसके बाद जो निचोड़ करके जो वहाँ से जो टीम गई, उन्होंने टीम भेजी थी जो लय जांच करके आई कि क्या वजह है मौत की, उनमें एक वजह ये भी आई जो भटनागर जी ने बताया कि लोगों की शराब महंगी है और सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको दूर से जाना पड़ता है, तो वहाँ जो अवैध शराब के ठेकेदार हैं वो सप्लाई करते हैं, बना के बेचते हैं। यदि हम वहाँ नज़दीक में यदि शराब की दुकान उपलब्ध करा देंगे तो जिनको पीना है वो लेंगे और शुद्ध शराब पिएंगे, जिससे उनकी मौत नहीं होगी। तो एक रीजन इस आधार सरकार को भी, सरकार को भी एक नंबर में रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को भी एक नंबर में रेवेन्यू मिलेगा। और वैसे भी यदि हम कहें कि सरकार शराब की दुकानें नहीं बढ़ा रही है, तो ये जैसे भटनागर जी ने कहा कि लोगों को गुमराह कर रही है, मूर्ख समझती है। सरकार ने विदेशी और देसी शराब की दुकानें संख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन जहाँ देसी शराब की दुकान मिलती थी आपने उसको परमिशन दे दी कि विदेशी शराब भी बेची, तो एक तरह से शराब की दुकानें तो बढ़ी गई ना। बिल्कुल, तो ये सरकारें राजस्व के लिए करती हैं, लेकिन वो जनता के सामने खुलकर नहीं बोलना चाहती। सरकार ने दुकानें तो बढ़ाई, जैसे मैं होशंगाबाद का जिक्र करता हूँ मनोज जी, यानी चोर से कहो कि चोरी करो, साहूकार से कह दो कि जागता रहे। धार्मिक शहरों से आपने शराब की दुकानें 5 किलोमीटर बाहर कर दी, वहां पे होम डिलीवरी शुरू हो गई है। तो सरकार की नीति जो देखना चाहिए, जो सुझाव आते हैं बाद में कि यदि हमने कोई नीति बनाई है उससे कोई गड़बड़ी है तो उसमें संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल, आप महंगी शराब दोगे, राजस्थान से शराब यहाँ सप्लाई होने लगी आसपास के जिलों में, तो आप खुद तस्करी को बढ़ावा दे रहे हो। तो इससे बेहतर है या तो आप पूरी तरह से तस्करी रोक दीजिए, उसमें सख्ती, अब देखिए आप सख्ती करने की शुरुआत हुई तो गड्ढे खोद के गुना में शराब मिल रही है, जेसीबी से निकालना पड़ रही है, जेसीबी से निकालना पड़ रही है। तो ये सरकार की फेल्यूर है। यदि शराब से कोई मरा है तो अभी शराब ना बिके, लोगों को शराब जिनको पीना है उनको मिले, और जहाँ रोक लगानी है, यहाँ पे जिस तरह से शिवराज सरकार का वो है
कि भाई महिलाएं 50% विरोध करेंगी जिस क्षेत्र में हम, उस क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, तो अच्छा निर्णय है। यदि जिन गांवों में महिलाएं चाहती हैं कि शराब की दुकान नहीं खोले, वो विरोध करें और वहां पर शराब की दुकान ना खोले, लेकिन जहां चाहिए वहां खुल जाए। बिल्कुल भटनागर जी, एक और चीज़ हम चाहेंगे दर्शकों को समझाएं आप, कि हमेशा कहा जाता है कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है कि शराब के ठेके, लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और बिहार की, तो मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, जंगल है, इंडस्ट्री है, बिहार में ये कुछ नहीं है, लेकिन बिहार में शराबबंदी कर दी जाती है और एक बड़ा रेवेन्यू का लॉस करते हैं वो। हरियाणा में उद्योग धंधे शायद देश के जो बाकी शहरों से ज़्यादा होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो भी शराबबंदी पर जाते हैं, लेकिन अंततः उनको शराबबंदी ख़त्म करना पड़ती है। तो ये तो कोई कारण हो नहीं सकता कि केवल रेवेन्यू का पर्पज, उसके और भी कारण हो सकते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ पॉलिटिकली कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता होगा। देखिए निश्चित तौर पर मनोज, राजनीतिक कारण तो होते ही हैं। शराब के धंधे से जितना भी पैसा वैध अवैध अलग अलग तरीके से आता है, वैध आता है सरकार की जेब में जाता है, ठेकेदार के मुनाफे में कायम होता है, जो अवैध पैसा होता है वो अलग तरीके से बढ़ जाता है, बढ़ता किनको है, जनप्रतिनिधियों को, अफसरों को, सरकार को, सबके हिस्से में जाता है, पार्टी चलाने के लिए फंड जो होते हैं वो ये सब इसी तरह से जुटाए जाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने भी अवैध तरीके हैं वो हमारे चुनाव के अंदर पैसा खर्च करने के काम आते हैं। बिल्कुल। तो उस शराब भी, अब शराब एक सामाजिक बुराई है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपने लिख दिया शराब की बोतल पे कि मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। अब अनपढ़ लोग भी हैं, चलो ठीक है, आप सरकार लोक कल्याण के लिए है, सरकार को शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जगह जगह शराब के बारे में लोगों को समझाइश दे। आप एजुकेशन पे पैसा ज़्यादा खर्च करो, स्वास्थ्य पे पैसा खर्च ज़्यादा करो, लोगों को अवेयर करो कि वो शराब से खुद दूर हो। बिल्कुल। लेकिन जो पी रहे हैं, अब तो चलन में शराब ऐसी है कि मतलब जो किशोर वय के बच्चे हैं, अच्छे बड़े बड़े परिवारों के जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे पब में पार्टी करने जाते हैं, बर्थडे पार्टी करने जाते हैं। लगातार हम देख रहे हैं भोपाल इंदौर, पूरे भोपाल इंदौर सब जगह इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं। तो आप कहाँ पे, अब ये तो कार्मल कॉन्वेंट, मतलब सॉरी कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे हैं, खूब बड़े ऊँचे स्कूलों के बच्चे हैं, तो वो जो बेचारा गरीब का बच्चा है गाँव देहात के अंदर, वो तो अशिक्षित है, और अगर वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और उसके बाद तो उसका परिवार उसको रोकता होगा, उसकी बीवी उसको रोकती होगी, उसके बच्चे उसे रोकते होंगे, लेकिन अगर वो पीता है तो वहाँ पे गांव देहात पंचायतें सब तरह की चीज़ें हैं। अभी जिस गांव में ये घटनाक्रम हुआ उस गांव के अंदर शराबबंदी थी। बिल्कुल। जिस गांव के अंदर ये घटनाक्रम हुआ उस पंचायत ने वहाँ पर शराबबंदी लागू कर रखी थी और वहाँ इतने लोग शराब पी के मर गए। अब इससे आप अंदाज लगा दो, ये आदिकाल से चली आ रही शराब, मतलब शराब जो है कोई नई चीज़ नहीं है, नशा, शराब का नशा अलग अलग रूप में हर दौर के अंदर रहा है और उसका रेवेन्यू से भी रिश्ता रहा है। बिल्कुल। जब आप ये सोचोगे चाणक्य के काल में जब मगध साम्राज्य था तो वेश्यालयों को भी लाइसेंस मिलता था, वहाँ शराब भी मिलती थी, वेश्यावृत्ति भी कानूनी थी। तो सामाजिक बुराइयों से रेवेन्यू कमाना ये सरकारी तंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र के अंदर ये सब चीज़ें बेन है, अच्छी बात है, कई सारे देशों में है, हमारे यहाँ बेन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके बाद वेश्यावृत्ति नहीं होती? सब चीजें होती, जो समाज की बुराइयां हैं, जहां समाज की जरूरतें हैं वहां कोई ना कोई पूर्ति करेगा। बिल्कुल। अब आप ये हरियाणा के अंदर, आप हरियाणा की शराब ढेर सारी गुजरात जाती थी बिना ड्यूटी की शराब, नुकसान तो वहां हो रहा है सरकार को। पंजाब से जाती है, वहां से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश में राजस्थान से आती है। अब मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पे आपको आदमी मध्य प्रदेश से शराब खरीद के नहीं पीता है क्योंकि यह महंगी है। बिल्कुल। और वहाँ पर जाएगा आपको 10 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा है, चाहे वो पश्चिमी अपना मध्य प्रदेश हो, राजगढ़ देख ले, चाहे आप इधर अपना ये ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका देख लीजिए, मुरैना से लगे हुए धौलपुर मुरैना हो, राजगढ़ हो, आदमी वहां से जाता है, अच्छे ब्रांड्स लेके आता है, सस्ती शराब लेके आता है। और वो फिर उसके अलावा जो लोग शराब के धंधों में पहले शामिल रहे उन लोगों के पास वो शराब आती है, वो यहाँ पे दुकान में शराब महंगी बिक रही है और वो आपको सस्ती शराब दे रहा है, अच्छी शराब दे रहा है, लेकिन फिर जो जहाँ पे शराब की पहुँच नहीं है वहाँ पे इस तरह की जहरीली शराब बिक रही है और वो जहरीली शराब भी मध्य प्रदेश की डिस्टिलरी से गए हुए स्प्रिट से ही बन रही है। बिल्कुल। ये एक बड़ी, तो ये हमारे तंत्र की विफलता है, ये हमारी व्यवस्था की विफलता है। आप शराब को दोष दे रहे हो कि शराब बिक रहे हैं, शराब बंदी कर दोगे शराब ढूंढ लाएंगे लोग, पड़ोस से लाएंगे, जिसको पीना है वो तो कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा, नहीं करेगा तो दूसरे नशों की तरफ जाएगा। बिल्कुल। वो एक कोई
नशा आता है जो मेडिकल स्टोर के ऊपर मिलता है, जिसको वो चुपड़ चुपड़ा के सूंघते सांगते हैं, भगवान जाने कितने तरह के सुलोचन जाने कितने तरह के ड्रग्स आ गए मार्केट में, तो लोग वो नशा करेंगे। नशे का और अपराध का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर नशा आदमी को उत्तेजित करता है, उसके विवेक को शून्य करता है, लेकिन सबके नशे करने की प्रवृत्ति अलग होगी। बिल्कुल, किस तरह के लोग नशा कर रहे हैं, किस तरह के अपराध कर रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें सरकार कैसे रोकेगी? क्या आप बलात्कार को सरकार रोक सकती है, बलात्कारी को पकड़ सकती है, उसे सजा दिला सकती है, ये सरकार कर सकती है, लेकिन किसी ने पहली बार बलात्कार किया उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, अब आप उसको क्या करोगे? और आप दोष दोगे कि सरकार में, शिवराज सिंह की सरकार में जो है बलात्कार बढ़ गए, तो सरकार ने तो करवा नहीं दिए, या 150 बलात्कारी छुट्टे घूम रहे हैं जिनका काम ही है कि रोज बलात्कार करना, ऐसा भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिला के राजनीतिक दल अपना काम करते हैं आरोप लगाना जो सरकार में है, वो चाहे वो जो सरकार में आज लोग बैठे, ये तब करते थे जब ये विपक्ष में थे, आज जो तब सरकार में थे वो आज विपक्ष में, तो वो भी यही गाना गा रहे हैं। अब कमलनाथ खुद जो है भाषण दे रहे हैं शराब के खिलाफ, और खुद क्या कर रहे थे ये अभी हाल आपने बोला है। बिल्कुल उन्हीं के कारण। ब्रजेश जी, एक छोटी सी प्रक्रिया, तो मान लिया जाए कि शराबबंदी या शराब की जो भी कुछ घटनाक्रम चल रहा है, बयानबाजी हो रही है, तो ये भी कह सकते हैं कि सुरा जो है वो नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है और जमीन पर वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए मनोज जी, नेताओं के सिर पर सुरा चढ़ के हमेशा ही बोलती है। अब आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे थे, एक सरकार आई उन्होंने बंद कर दी, दूसरी सरकार 1.5 साल बाद आ गई चंद्रबाबू जी की, 1200 करोड़ का नुकसान बता दिया 1200 का, और उन्होंने शराब लागू कर दी। तो ये सरकारें अपने हिसाब से देखती हैं, राजस्व एक सेकेंडरी चीज़ है, उनके अपने नफा नुकसान देखते हैं कि शराब से क्या फ़ायदे उनको हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। हमने कोरोना काल में भी देखा, शराब ठेकेदारों ने सरेंडर कर दी थी दुकानें, किस तरह से उन पर दबाव डाले जाते हैं, पिछली सरकार ने क्या चाहिए था उन शराब ठेकेदारों से। तो जो अंदर खाने की चीज़ें, शराब तो हमेशा उनके सिर पर ही चढ़ के बोलती है, क्योंकि उनको ज़रूरत है उसकी, और वो पब्लिक का मन जानते हैं, पब्लिक के अनुसार बात करते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन कोई नेता नहीं चाहता, कोई अधिकारी नहीं चाहता कि शराबबंदी हो। यदि शराबबंदी की बात होगी तो अंदर खाने सबसे ज़्यादा विरोध यही लोग करेंगे, और कोशिश करेंगे कि राजस्व की आड़ आए या कोई दूसरा कारण बता के, किसी और कारण से कारण बता के इसको रोका जा सके। राजनीतिज्ञों को नैतिकता के दायरे में बात करने का हक नहीं रह गया मनोज। बिल्कुल, ये तो मतलब हिंदुस्तान मजाक हो जाएगा अगर हम नैतिकता की उम्मीद करेंगे। चलिए, लेकिन अब समय और इजाजत नहीं दे रहा है, तो आप दोनों से यही विदा लेना चाहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर शराब को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया या जो भी कुछ रहती हो, लेकिन हम देखते हैं कि अगर सरकारें बदलती रहती है उनका स्टैंड वही रहता है, जो सरकार में होता है वो विपक्ष में जाके कुछ और सुर में बोलता है, और जो विपक्ष में होता है वो सरकार में आके उसके सुर कुछ और हो जाते हैं। मदिरा पान या हम देखते हैं जितने नशे की चीज़ें, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू या शराब की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है कि मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वही मदिरा पान नेताओं के अफसरों के गठजोड़ के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस फायदेमंद चीज़ को वो कह जरूर रहे हैं कि शराबबंदी हो जाना चाहिए, इस पर लगाम लगना चाहिए, लेकिन वो खुद भी चाहते हैं कि इसकी बिक्री होती रहे, क्योंकि इसी मध्यप्रदेश में हमने देखा है कि एक डिस्टलरी के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनका शराब का धंधा फले फूले, इनके पास लक्ष्मी आएगी तो ये हमको लक्ष्मी देंगे। तो ऐसे प्रदेश में फिर अगर हम बात करें कि शराबबंदी हो जाएगी, तो एक दिन में होने वाला निर्णय नहीं है, इसके लिए जनता को अवेयर होना होगा, राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाना होगा, इसके बाद कुछ अगर होता है तो हो सकता है वो प्रदेश के हित में भी अच्छा होगा, समाज के हित में भी, लेकिन अभी तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कम से कम जिस विभाग का जो काम है, अगर आबकारी विभाग का काम है शराब पकड़ना, तो वो ठेकेदारों पर लगाम करे, तस्करों पर अंकुश लगाए, और कोशिश करे कि जहरीली शराब ना बिक पाए, और जो पुलिस का काम है कि लाइन ऑर्डर मेंटेन करे, और ऐसे तस्करों को धर पकड़ करके इनको जेल में भेज दे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।